अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शबीना आरिफ है। मैं न्यूबॉर्न कंसल्टेंट हूँ एट द डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स एंड चाइल्ड हेल्थ, आखान यूनिवर्सिटी। जैसा कि आपको पता होगा कि न्यूबॉर्न बेबी, जिनको हम नवजादा बच्चे कहते हैं, ये बड़े नाजुक होते हैं। उमूमन जब ये पैदा होते हैं तो इनका मुआयना किया जाता है ताकि हम ये देख लें कि उनके अंदर कोई मौरूसी बीमारी, कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम, पैदाइशी नुक्स तो नहीं है, या इनके अंदर कोई सांस की तकलीफ़ की बीमारी तो नहीं है। अगर ये ठीक होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, वज़न इनका अच्छा होता है, तो ये और उनकी वालदा दोनों को हम उमूमन 2 से 3 दिन में डिस्चार्ज करते हैं, ये ब्रेस्ट फीडिंग सिखा के और न्यूबॉर्न केयर सिखा के। बट बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जैसे कि पीलिया है, दिल के कुछ मसले हैं जिसको हम साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिज़ीज़ कहते हैं, या फिर फीडिंग की प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे वो बच्चे जो कमज़ोर पैदा होते हैं। इन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो फॉलो अप विज़िट करें, क्लिनिक में दिखाएं, एटलीस्ट 7 से 10 दिन, पैदाइश के 7 से 10 दिन के अंदर वो ज़रूर बच्चों को फॉलो अप विज़िट पे कोई न्यूबॉर्न स्पेशलिस्ट के पास या पीडियाट्रिशियन के पास लाएँ, ताकि बर वक्त उनकी तशखीस हो सके और इलाज हो सके। थैंक यू।